कंप्यूटर पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करें? जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप या जो भी है उसमें जो है अच्छे प्रोफेशनल हाई क्वालिटी का जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, और प्लस स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के साथ साथ ऐसा 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 चीज़ आप करना चाहते हो, तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। इसमें आप जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के साथ साथ जो है आप बहुत तरह के आइकन जो है और बहुत तरह के टूल्स आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आप जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे या कोई भी वीडियो गेम आप रिकॉर्ड करते हो तो उसमें आप जो है बहुत अच्छी तरह से इफेक्ट आप डाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ये कैसा होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसको जो है डाउनलोड कैसे करना है। इसके लिए आपको जो है गूगल में जाना है, और गूगल में जाके आपको लिखना है आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर। जी हाँ, आइसक्रीम, जी हाँ, ये खाने वाला आइसक्रीम है, पता है, आइसक्रीम सुन के सबके मुँह में पानी आ जाता है, आइसक्रीम आइसक्रीम, ठीक है, लेकिन ये इस एप्लीकेशन का नाम ही इतना अजीब है कि क्या करें, सुनने से ही मुँह में पानी आ जाता है। ठीक है, तो आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर आपको लिखना है, और लिखने के बाद जो है कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, हर चीज़ आपको बताएंगे, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम अपने जो है डेस्कटॉप पर आ चुके हैं, और यहाँ पे आपको पहले तो गूगल खोल लेना है, और यहाँ पे आपको लिखना है आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम रिकॉर्डर, ठीक है जी हाँ। आइसक्रीम का नाम सुनने से तो मुंह में पानी आ जाता है, मेरे मुंह में तो पानी आ चुका है, आपके मुंह में आया है कि नहीं आया नीचे कमेंट करके ज़रूर बता। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर है, इसको पहला ऑप्शन आएगा, पहले ऑप्शन को क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ये इसमें, पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा आपको। यहाँ से आपको डायरेक्ट डाउनलोड, यहाँ पे फ्री डाउनलोड है, यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आपका जो है .exe फाइल डाउनलोड हो जाएगा, और फिर डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 करके बस आपको जो है इसको अपने पीसी में, कंप्यूटर में जो है इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और ये आपको जो है मैक, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7 सब में काम करेगा। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है कि विंडोज़ 7 विंडोज़ 8 में काम नहीं करेगा। और देखो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, पहले ये देख लो, स्क्रीन रिकॉर्डर जो है फीचर्स इसमें क्या क्या है, एरिया सिलेक्शन करके आप इसको रिकॉर्डिंग कर सकते हो कस्टमाइज, और ड्राइंग पैनल है, यानी बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे जिसमें आपको जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको जो है ब्रश मिल जाएगा, टूल मिल जाएगा, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, बहुत सारे जो है शेप्स मिल जाएंगे जिससे आप जो है ट्यूटोरियल को और अच्छा बना सकते हो। ठीक है, प्रोजेक्ट हिस्ट्री मिल जाएगा कि यानी आप कौन कौन से अपने वीडियो बनाए हैं, कहाँ आपने कैसे कैसे सेव किए हैं, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, आप अगर ऐड अपना वाटरमार्क लगाना चाहते हो तो वाटरमार्क लगा सकते हो, अगर वेबकैम के थ्रू रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो वेबकैम के थ्रू भी कर सकते हो इसको, और उसमें हाई, मीडियम, लो है, जिसमें हाई क्वालिटी में भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जूम इन, जूम आउट ये सब कर सकते हो। ठीक है, और जो माउस का कर्सर है उसको भी हाईलाइट कर सकते हो, और स्टेप टूल है, यानी क्लिक करोगे तो 1, 2, 3 करके स्टेप अगर आप समझाना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, और बहुत सारे फंक्शन है, देखो यहाँ पे आप जो भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, आप जो अभी आप रिकॉर्डिंग आप करोगे उसको अगर ट्रिम कुछ गलत हो गया हो, ट्रिम करना है तो यहाँ से ट्रिम कर सकते हो, आवाज़ में ऊपर नीचे सेटिंग कर सकते हो, आपकी जो फॉर्मेट है जो आपने रिकॉर्डिंग किया रहेगा उसका फॉर्मेट अगर आपको बदलना है तो फॉर्मेट भी यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए सेटिंग्स बहुत है, स्क्रीनशॉट, URL, ये बहुत सारे ये सब ऑप्शन हैं। ठीक है, तो ये सब जो है मेन, ये सब चीज़ मैंने आपको बता दिया, अब इसको करना कैसे है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे पहले से डाउनलोड कर लिया है, जब आप डाउनलोड करोगे तो आपके पास ये जो दो ऐसे डाउनलोड आएगा। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक से जो है आप जो है वीडियो जो भी आप इसमें करोगे वीडियो कैप्चर रहेगा, और एक से जो है सिर्फ स्क्रीनशॉट होगा। ठीक है, मान लो जैसे ये मेरी फोटो है, इसके मैं स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं यहाँ से क्लिक करके यहाँ से जो है सिर्फ ओके करूँगा, ये मेरा स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए डायरेक्ट ये बटन है। अब मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये जो है इसमें आपको जो है डायरेक्ट आपको जो है डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो देखो जैसे डबल क्लिक करोगे तो ऊपर में आ जाएगा आपको जो है वीडियो कैप्चर। ठीक है, तो आपको जो है वीडियो कैप्चर में आपको आना है, और यहाँ पे फुल स्क्रीन करना है, कस्टमाइज़ करना है, क्या करना है, तो मैं जब अगर कस्टमाइज़ करना है तो मुझे, तो मैं जो है यहाँ पे कस्टमाइजिंग में क्लिक करूँगा। ठीक है, और कस्टमाइज में क्लिक करने के बाद अब मान लो मुझे जितना ऑप्शन मुझे रिकॉर्डिंग करना है अपने स्क्रीन का, कंप्यूटर की स्क्रीन का, तो मैं उतना ही मैं कर सकता हूँ। तो मान लो जैसे मुझे इतना करना है तो इतना मैं देखो ऐसे मैंने सिलेक्ट कर लिया इतना। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ, आप बड़ा छोटा कैसे भी कर सकते हो। अब कर लिया, अब हो गया, अब ये मेरा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर नीचे करके मैं इसको ड्रैग करके कर सकता हूँ। अब ये देखो मेरे पास ये पैनल आ गया। ठीक है, अब इस पैनल में मैं क्या क्या कर सकता हूँ मैं आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से जो देखो ये ड्रॉ का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये ड्रॉ वाला, तो ड्रॉ में मैं क्लिक करूँगा तो अब देखो कमाल है। अब मैं यहाँ पे मान लो जैसे मैं कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसके मैं स्क्रीनशॉट का रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, या मैं अपने पीसी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो मान लो कुछ मुझे समझाना है तो जैसे ये एरो है। ठीक है ना, तो एरो में मैं क्लिक करूँगा और मैं कलर चूज़ करूँगा, ग्रीन, रेड, येलो, क्या चाहिए, मान लो मुझे ब्लू चाहिए तो ब्लू में सेलेक्ट करूँगा,
और जो है एरो दिखाना है, तो ये देखो ऐसे करके एरो दिखा दूंगा, ऐसे करके एरो जैसे मैं कर रहा हूँ तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मैं एरो करके मैं दिखा सकता हूँ। अब मुझे मान लो जैसे मुझे अब मुझे जो है स्क्वायर करना है, ठीक है ना, तो मैं स्क्वायर करके ऐसे में दिखा सकता हूँ। और सर्कल करना है तो सर्कल करके मैं ऐसे करके दिखा सकता हूँ, बड़ा छोटा जैसे भी करना है, ये देखो ऐसे भी कर सकता हूँ। अब मान लो मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, तो ये जो टेक्स्ट का वाला ऑप्शन है, टेक्स्ट में मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और करके मैं चाहूँ जो चाहे यहाँ पे जो है मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ फॉर्म जो है बड़ा छोटा करना है, तो इसको मैं देखो मैं बड़ा करूँगा, अब इसको मैं बड़ा करूँगा, ठीक है। अब मान लो जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं क्लिक करके मैं कुछ भी जो है ऐसे करके लिख सकता हूँ। ये देखो जैसे मैं देख पा रहे हो आप, ये देखो जैसा मैं लिख रहा हूँ आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, ऐसे करके मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पर भी लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पर क्लिक किया, ये देखो ऐसे करके कुछ भी मैं लिख सकता हूँ। यानी जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा रहा हूँ, इसको आप अच्छी तरह से और कर सकते हो। और जो लाइन है इसको मोटा पतला भी कर सकते हो, मुझे बड़े में चाहिए, ठीक है, तो मैं इसे बड़ा करूँगा, एरो करूँगा, तो ये देखो अब ये एरो बड़ा होगा, ठीक है। बहुत पतले में करना है तो ये सबसे पतला वाला ये मैं सिलेक्ट करूँगा, तो ये बहुत पतले में होगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये बहुत सारे जो प्रोफेशनल जो है वो यही यूज़ करते हैं। तो ये जो मेन मेन जो सेटिंग्स है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया, ये इस तरह काम करता है। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो या ना पसंद आया हो, कुछ भी हो, तो पहले तो हमें आप नीचे कमेंट करके बताएं कि वीडियो पसंद आया है कि नहीं आया है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियो बनाते रहें।